तेज मोहन योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि एक बार पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आप अपने पूरे परिवार को कमर दर्द से बचाने के लिए या स्पाइन प्रॉब्लम यानी मेरुदंड में किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई हो तो आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करके आप देख सकते हैं बहनों के द्वारा। इसमें पेट के बल हम लेट जाते हैं और एक एक पैर को बारी बारी से सांसों के साथ हम छोड़ते हुए और भरते हुए नितंब की ओर एड़ी को ला रहे हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, करते रहिए लगातार। फिर दोनों पैरों को एक साथ करिए। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए। हाँ, मोड़ते रहिए। जीवन में कभी आपको कमर दर्द नहीं परेशान करेगा, साथ ही साथ कभी भी स्पाइन प्रॉब्लम, आजकल बहुत लोगों को L1 से L5 तक परेशानियां हो रही हैं और इसका कोई पैथी में इलाज नहीं है। केवल और केवल महर्षि घेरंड के अनुसार यदि हम मकरासन के साथ साथ भुजंगासन का अभ्यास करें। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। तो आइए दोनों हथेली को आगे लगा दीजिए, बहुत अच्छा। हाँ, और पीछे एड़ी को सटा लीजिए और सांसों को भरते हुए आप पूरे शरीर को उठाइए, बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, एड़ी सटाइए पीछे। हाँ, एड़ी सट जाए तो और बढ़िया है, करिए लगातार। चलिए 1 2 लगातार करिए। जिनको कमर दर्द है वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे और जिनको केवल फैट कम करना है वो इसे फास्ट कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत अच्छा से अभ्यास करते रहिए लगातार, करिए। सांसों को भरते हुए पूरा उठाइए, पूरा केहनी को टाइट करिए। हाँ, करते रहिए लगातार। 1 करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा अभ्यास करिए, दोनों हथेली को बगल में रखिए सीने के पास। हाँ, ठीक है, करते रहिए। उठाइए पूरा केवनी, उठा लीजिए। हाँ, और उठाइए, पैर सटाइए पीछे से। हाँ, अप एंड डाउन करते रहिए, नीचे आइए, हथेली को बगल में रखिए थोड़ा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। 1 2 3 आप देख सकते हैं कि जब हम कैसे गर्दन को आगे की ओर उठा रहे हैं तो सीधे सीधे L1 से L5 तक इसका पूरा ये मरोड़ पैदा हो रहा है। और दोनों एड़ी को सटाइए आपस में, बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, एड़ी को सटा करके, और ये है भुजंगासन का पहला स्टेप। ये करने का तो आप तरीका देख ही रहे हैं। ये भुजंग यानी सर्प से लिया गया है, भुजंग सांप को कहते हैं और सांप का कमर बड़ी मजबूत होता है, इसीलिए जब लोग उसे मारते हैं सर्प को तो बोलते हैं कि सर्प का पहले कमर तोड़ दीजिए। तो ये अभ्यास करने से कमर बड़ी मजबूत होता है और ज़िंदगी में कभी आपको कमर दर्द से कभी आप परेशान नहीं हो पाइए, लगातार करिए, बहुत अच्छा। और ये हृदय को मजबूत कर रहा है, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होंगे, लगातार करते रहें इसको, बहुत अच्छा अभ्यास।